गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज आप लोग के साथ एक गजरा हेयर स्टाइल शेयर करने वाली हूँ। आप देख सकते हैं मेरा लुक थोड़ा सा फेस्टिव रेडी है, तो मैंने ये तीज स्पेशल मेकअप लुक शेयर किया है अपने चैनल पर। आप चाहें तो उसे चेकआउट कर सकते हैं अगर अभी तक नहीं किया है तो। बहुत ही ईजी एंड क्विक एंड अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के साथ मैंने बताया है एंड बिगनर फ्रेंडली। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ईजी वे में मैंने बताया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। एंड मैंने पहनी है ग्रीन कलर की साड़ी एंड ये कुंदन ईयरिंग्स एंड थोड़ी सी चूड़ियाँ। तो ये बहुत ही एथनिक एंड फेस्टिव लुक है एंड आप वेडिंग्स पे भी कर सकते हैं। फेस्टिवल्स पे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप राखी पे कर सकते हैं डेफिनेटली एंड तीज पे तो कर ही सकते हैं, क्योंकि ये ग्रीन अटायर लुक है। लाइक ग्रीन ड्रेस के साथ आप कैसे मेकअप कर सकते हैं, तो आप तीज पे तो डेफिनेटली कर सकते हैं। तो इसे प्लीज़ चेकआउट करिएगा। एंड मैं एक क्विक गजरा हेयर स्टाइल भी शेयर करने वाली हूँ आप लोग से। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसे देख सकते हैं मैंने अभी ओपन हेयर रखा है एंड मेरे शोल्डर लेंथ है हेयर एंड बहुत ज़्यादा वेवी है। तो मैं बालों को स्ट्रेट नहीं करती, बहुत कम करती हूँ। लाइक रिसेप्शन वगैरह पे, पार्टीज पे जा रही हूँ तो भले ही कर लेती हूँ, एंड फेस्टिवल्स पे तो मैं ऐसे ही रहने देती हूँ, क्योंकि थोड़े से कर्ली हेयर वाले जो लुक रहते हैं बहुत अच्छे लगते हैं फेस्टिवल्स पे। तो मेरे को तो कर्ल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मेरे नेचुरली कर्ली हैं। तो बस आज मैं एक गजरा हेयर स्टाइल शेयर करती हूँ। तो मैं पहले बालों को अपने खोल लेती हूँ। एंड गजरा हेयर स्टाइल्स भी आप बहुत डिफरेंट वे में कर सकते हैं। मैं एक सबसे ईजिएस्ट वे जो है फेस्टिवल्स पे आप कर सकते हैं, लाइक दिवाली वगैरह पे कर सकते हैं, तो वो मैं शेयर करने वाली हूँ आपसे आज। लुक ले आपको फॉर श्योर एक डोनट बन लगेगा। अगर आपके बाल बड़े हैं तो आप अपने नेचुरल हेयर से बना सकते हैं, बट मेरे बाल तो छोटे हैं तो मुझे ऐसा डोनट यूज़ करना पड़ता है। एंड थोड़े से यू शेप पिन जो रहते हैं, जुड़ा पिन, वो भी लगेंगे आपको। तो एक अच्छा खासा बंच लेकर बैठें, क्योंकि अच्छी तरह से उसे सिक्योर करना पड़ता है। एंड आपके पास अगर एक आर्टिफिशियल गजरा हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप नेचुरल गजरा भी यूज़ कर सकते हैं। बट आर्टिफिशियल जो रहता है रेडीमेड, वो बहुत लाइक जब इजीली अवेलेबल ना हो गजरा, तो आप यूज़ कर सकते हैं। ये है मेरे पास एक आर्टिफिशियल गजरा जिसमें ये मोगरा फ्लावर्स जैसा बना हुआ है। तो ये मैंने अमेजोन से मंगाया था, फेस्टिवल्स पर अच्छे लगते हैं। एंड लाइक अगर आपने किसी कोई सिल्क की साड़ी वगैरह पहना है एंड एकदम ट्रेडिशनल गेटअप किया है, तो गजरा तो बहुत ज़्यादा इन है अभी। तो बस अभी स्टार्ट कर लेते हैं हेयर स्टाइल को। सबसे सिंपल वे मैं पहले बता रही हूँ, मिड पार्ट निकाला है गजरा के साथ पे, मिड पार्टीशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड मैंने सुबह से हेयर कॉम नहीं किया है, तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी टाइप के लग रहे हैं, तो उसे इग्नोर करिएगा। तो ये हो गया है एक पोनीटेल। इसे मैंने रबर बैंड से सिक्योर किया। सो गाइज, देखा आपने पोनीटेल एक बना लिया मैंने, एंड लो नेक पे बनाया था, बहुत हाई पोनीटेल नहीं बनाया था, क्योंकि मैं जूड़ा थोड़ा सा लो बनाने वाली हूँ। तो फिर इसके बाद सिंपली पोनीटेल में जूड़ा को अटैच कर लेना है उसके अंदर से घुसाते हुए, एंड उसके बाद अपने सब बालों को अच्छे से स्प्रेड कर लें। ये थोड़ा सा रफली कर रही हूँ मैं, क्योंकि मैं ऐसे ही लुक टाइप का कर रही थी। एकदम नीट आपको चाहिए तो अच्छे से कॉम करते हुए आप बालों को फैला लें डोनट बन के ऊपर, एंड उसके बाद एक टाइट वाला रबर बैंड को सिक्योर कर लें। लूज़ रहेगा रबर बैंड तो फिर निकलने के चांसेस रहते हैं, तो आप राइट टाइट वाला रबर बैंड को अटैच कर लें। एंड चाहें तो आप उसमें भी यूपिन लगा सकते हैं अच्छे से सिक्योर करने के लिए। एंड जो बचे हुए बाल हैं आपके, आप उससे सिंपली उसे ट्विस्ट करते हुए जो डोनट बन है उसके चारों तरफ राउंड उसके कवर करते हुए, रबर बैंड जो है उसे कवर करते हुए आप ट्विस्ट करते हुए जूड़ा पिन से अटैच कर लें। चारों तरफ अच्छी तरह से जूड़ा पिन लगाते हुए सिक्योर कर लीजिएगा, जिससे उसे उसके निकलने के चांसेस नहीं रहेंगे। एंड अगर आपके बड़े बाल हैं तो आप यहाँ पर ब्रेड बना के भी उसके अराउंड आप उसको कवर कर सकते हैं, तो वो भी एक डिफरेंट हेयर स्टाइल हो जाएगी। मेरे छोटे बाल हैं तो मैं सिंपली उसे
कवर करते हुए अटैच कर रही हूँ। एंड डोनट बन के साथ अब डिफरेंट हेयर स्टाइल्स भी बना सकते हैं, लग जुड़ा वाले तो मैं किसी और दिन शेयर करूँगी। आज मैं सिंपली सबसे ईजिएस्ट वे जो रहता है गजरा हेयर स्टाइल का वो शेयर कर रही हूँ आपसे। एंड सामने आप एक मिरर रख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप आगे एंड पीछे दोनों तरफ मिरर देखते हुए बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बट मैंने सामने कैमरा रखा हुआ था एंड पीछे की तरफ जैसे आप देख सकते हैं मैंने मिरर नहीं रखा है, इसलिए मेरे को थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही थी। एंड ये डोनट बन बन गया है एंड उसके बाद मैं इसमें गजरा अटैच कर रही हूँ, तो गजरा को मैंने प्लेस किया एंड उसमें उसके जो थ्रेड हैं उसे दोनों साइड से लेते हुए मैं ऊपर की तरफ लेके जाऊंगी। एंड अगर आप चाहें तो उसमें एक नॉट भी लगा सकते हैं या फिर दोनों एंड पे जुड़ा पिन से अटैच भी कर सकते हैं जिससे वो अच्छी तरह से सिक्योर हो जाए, बट मैं नॉट अभी नहीं बना रही थी, सिंपली उसे जुड़ा पिन से सिक्योर कर रही थी। बट आप अच्छी तरह से उसे सिक्योर करना, नहीं तो डांस वगैरह अगर आप करेंगे तो उसके निकलने के चांसेस रहते हैं। एंड जो थ्रेड दिख रहा है उसे कवर करते हुए करें, अब सामने मिरर रख लेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। मैंने अभी रखा नहीं था इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है मेरे को, बट मैं अंदाजे से कर रही थी। एंड थोड़ा सा थ्रेड दिख रहा है उसे भी अंदर कवर करते हुए जुड़ा पिन से सिक्योर कर लें। तो ये बस बहुत ही सिंपल वाला गजरा हेयर स्टाइल है। आप चाहें तो फ्रंट की तरफ से डिफरेंट लुक देने के लिए डिफरेंट हेयर स्टाइल्स ट्राई कर सकते हैं। एंड एक और गजरा रहेगा अगर आपके पास तो वो अच्छा हैवी बन जाएगा जुड़ा। सो गाइस देखिए आप ये गजरा लग गया बहुत ही इजीली। एंड सामने से आप ये देख सकते हैं मेरे थोड़े से छोटे बाल हैं, तो अगर आपको एकदम नीट लुक चाहिए तो आप इसे अच्छी तरह से कॉम करते हुए टिकटॉक क्लिप लगा सकते हैं यहाँ पे। एंड अगर आपके पास दो सेट ऑफ गजरा हो तो आप पूरे राउंड करके लगा सकते हैं, लाइक जैसे ये ऊपर लग गया ऐसे नीचे से भी लगा सकते हैं तो वो और हैवी गजरा वाला लुक आएगा, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है वो भी। एंड अगर आप चाहें तो इसमें मांग टिक्का भी अटैच कर सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी ईजी एंड बहुत ही क्विक गजरा लुक है जो बहुत अच्छे लगते हैं फेस्टिवल्स पे, तो आप कर सकते हैं इसे। गाइस दिस इज वेरी इजी गजरा लुक, ये है मेरा फाइनल लुक। अगर आपको ये बहुत ही इजी एंड क्विक गजरा लुक अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। तो अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए मैं डेली व्लॉग्स भी अपलोड करती हूँ, आप उसे भी देखना मत भूलिएगा। एंड मेकअप ट्यूटोरियल भी मैंने इसका शेयर कर रखा है जो अभी मैंने गेटअप लिया है उसका, तो बहुत ही ईजी है ये भी। एंड हेयर स्टाइल भी मैंने बहुत ईजी बताया, तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, लाइक करना मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय।